10 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा है। इस दौरे से पहले रावण का चबूतरा मैदान को लेकर माथापच्ची हो गई है। आपको बता दें कि अमित शाह के दौरे के लिए बीजेपी तैयारियां करना चाहती है, उससे पहले हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रम है। 10 सितंबर को अमित शाह आने वाले हैं। 7 सितंबर को एक रात भजन संध्या है, जिससे अब ये मैदान खाली नहीं हो पा रहा है और अमित शाह की तैयारियां कैसे करें उसी को लेकर माथापच्ची हो गई है। संपत पूनिया ने कहा है कि कितना भी बड़ा नेता क्यों नहीं हो, अगर हमारे पास परमिशन है तो आप हमें हटा नहीं सकते हैं। संपत पूनिया का कहना है कि हमने ये रावण का चबूतरा प्रशासन से परमिशन पर ले रखा है, अब अमित शाह आ रहे हैं तो 7 सितंबर के बाद ही हम इसे खाली कर पाएंगे। उससे पहले ये गणेश महोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं और उस कार्यक्रम में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि अमित शाह के दौरे से पहले आरएलपी का कार्यक्रम रावण का चबूतरा मैदान में होना है। बात अब इज्जत की है और बात आमने सामने की है, अब देखते हैं इसके अंदर कौन कमजोर होता है कौन मजबूत होता है। ये लड़ाई आमने सामने की छिड़ चुकी है, पुलिस ने हाथ झटक दिए। पुलिस बोली भाई हम तो इसमें क्या कर सकते हैं, हमने तो परमिशन इनको दे दी है। और दूसरी बात, नगर निगम कह रही हमने भी परमिशन दे दी, अब हम क्या करें, क्या करना, तो खाली करवाओ। हमने कहा ये पूरा मैदान खाली होना चाहिए, चाहे अमित शाह हो चाहे कोई हो, भाई कानून से बड़ा तो ना तो कोई अमित शाह है ना दूसरा तीसरा है। अभी आपको हम दिखा देंगे, ये जो हमने गणेश महोत्सव समिति का गठन किया था, जोधपुर के अंदर गणपति का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, लेकिन इस बार जालौर गेट पे पूरा कोई मामला सिचुएशन दूसरी थी और मैंने भी शिवसेना को बाय बाय कह दिया, तो वहाँ पे वो शिवसेना वाले कर रहे थे, तो हमने कहा भाई हम लोग ये जो रावण का चबूतरा मैदान है यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, एक शाम गणपति बप्पा के नाम, और जो भी गणपति पूरे शहर भर में लगी है जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी हम लोग उनका साथ देंगे और हम लड़ेंगे। अभी आपको बता, और इस गणेश महोत्सव समिति का गठन करके हमने बकायदा ये जो हमारे पास में बैठे हैं प्रकाश जी भौंरिया।